आज हम आपके लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में भी उतनी ज़्यादा आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है दो तरह की दाल और चावल। तो इसको बढ़िया तरह से तीनों चीज़ों को बढ़िया से धो लिया था और उसके बाद में भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। ये बहुत बढ़िया से फूल चुकी है। इसमें चना की दाल है और उड़द की दाल है। कटोरी से हमने नाप किया है तो 1 कटोरी हमने चावल लिया है, आधी कटोरी हमने चना की दाल लिया है, इसका 1/4 भाग हमने लिया है उड़द की दाल। तो तीनों को बढ़िया से धो लेना है, भिगो देना है और जब फूल जाए तो इसको पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने लिया है मिक्सर जार और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा डाल के इसको बढ़िया से पीसेंगे। यहाँ पे हमने हरा मिर्च, 1 लाल मिर्च लिया है और अदरक लिया। तो अदरक हमने छिलका सहित लिया है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। लीजिए, हमने बढ़िया तरह से पीस लिया। एकदम स्मूथ इसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए कि जितना बारीक रहेगा उतनी बढ़िया रेसिपी बनेगी। तो इसी तरह हम सभी को पीस के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने बढ़िया तरह से पीस लिया, कुछ इस तरह का बैटर है। तो करना क्या है, इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है फर्मेंट होने के लिए, ताकि ये बढ़िया से फूल सके। तो चलिए इसको ढककर के रख देते हैं। अगर आपको बहुत जल्दबाजी है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। तो कुछ काम हम आगे कर लेते हैं, जैसे कि सब्जी बना लेते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया, उसमें डाल दिया सरसों का तेल। तो यहाँ पर डालेंगे जीरा और यहाँ पे 1 तेज़पत्ता डालेंगे और यहाँ पे हमने हींग लिया है, हींग को डाल देंगे। और यहाँ पे हमने लिया है प्याज, प्याज को हमने बारीक से कट कर लिया है, इस तरह से डाल देते हैं। चाहे तो आप पेस्ट बना के डाल सकते हो। प्याज को बढ़िया तरह से पका लेना है, जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बढ़िया से इसमें मसाले डाल देना है। तो यहाँ पे हमने मसाले पीस के रख लिया है, जैसे कि गर्म मसाला, साबुत धनिया, अदरक, लहसुन, हरा मिर्च, सभी चीज़ों को बढ़िया तरह से पीस लिया है। टमाटर भी मैंने इसी में पीस लिया है। मसाला डालने के बाद में यहाँ पे डालेंगे स्वाद के अनुसार सारे मसालों को। अब बढ़िया तरह से इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। जब भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसका नमक डालते हैं तो काफ़ी बढ़िया सब्जी बनती है। ढक करके पका लेते हैं। यहाँ पे डालेंगे चना और आलू उबले हुए। चना आलू को जो है बढ़िया से उबाल लीजिए चना के साथ में, बढ़िया इस तरह से डाल दीजिए। इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हम बढ़िया तरह से भून लेते हैं, फिर पानी डालेंगे। सब्जी को 5 मिनट भूनने के बाद में यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है, नॉर्मल पानी का प्रयोग किया है। बस इस तरह से इसको ढक कर के पका लेंगे। 5 मिनट में सब्जी रेडी हो जाएगी। तब तक कुछ आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो लीजिए, 2 घंटे के बाद में यहाँ पर डालेंगे गोल मिर्च पाउडर, काला नमक और यहाँ पर जीरा लिया है, धनिया पाउडर, थोड़ा से गरम मसाला और यहाँ पे चाट मसाला लिया है। यहाँ पे हमने हींग लिया है, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, बढ़िया तरह से मिला देंगे। तो लीजिए, बटर हमारा बन के रेडी हो चुका है, एकदम परफेक्ट है। तेल हमारा गरम हो चुका है, बस इस तरह से पेस्ट को लेना है और इस तरह से डालते जाना है। जितना आप छोटा पसंद करें उतना छोटा आप डाल सकते हो। थोड़ा स्पेस रखते हुए इसको डालिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया फूला है। मीडियम हाई फ्लेम पे इनको पकाना, देख सकते हो कितने बढ़िया से फूल रहे हैं। तो इसी तरह हम इनको बढ़िया से कुछ समय के बाद में इस तरह से डुला देंगे। ये देखिए, बहुत परफेक्ट फूल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। पेस्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अगर गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी आप मिला सकते हो। ये देखिए, काफ़ी बढ़िया बन रहे हैं। तो चलिए, इनको बाहर निकाल के रख लेते हैं। इसी तरह हम सभी को बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी है। एक बार जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो लीजिए, हमने सभी को बढ़िया तरह से फ्राई कर लिया है, तो इसको साइड भी रखते हैं। यहाँ पर हमने दोना लिया है, तो आज हम इसको दोना में सर्व करेंगे। तो दोना को सबसे पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने चना और आलू की सब्जी को यहाँ पे दोना में डाल दिया है।
यहाँ पे रख देते हैं इस रेसिपी को। काफ़ी बढ़िया बने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी क्रिस्पी भी हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। तो लीजिए, हमने बढ़िया तरह से सर्व कर दिया है, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी से हमारी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। ये झारखंड की स्पेशल रेसिपी है, इसका नाम है धुस्का। ये चना और आलू के सब्जी में खाई जाती है। यहाँ पे आप प्याज कट करके रख लीजिए, नींबू रख लीजिए, आप बढ़िया तरह से इसको खाइए, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी लगती है खाने में। बस इस तरह से लगा के खा लीजिए। तो आप भी इस तरह से बना के अपने बच्चों खिलाइए, अपने घर वालों को बना खिलाइए, आप भी खाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।